नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 1। ये आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और एनीमिया क्यों होता है, क्या कॉजेस होते हैं और इस मेडिसिन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये मेडिसिन कैसे फायदेमंद रहती है आपको एनीमिया के लिए इस्तेमाल करने के लिए, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब हम पहले बात कर लेते हैं एनीमिया क्या होता है, एनीमिया क्यों होता है। तो एनीमिया का डेफिनेशन है कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, जब आप सीबीसी करते हैं यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं या फिर सिर्फ हीमोग्लोबिन भी करते हैं, तो वो अगर कम रहता है यानी कि उसका नॉर्मल रेंज है 12-16 या फिर 12-15, इसके 12 के नीचे अगर हीमोग्लोबिन रहता है, अभी फीमेल्स में क्राइटेरिया है कि 11 या फिर 10 के नीचे अगर हीमोग्लोबिन रहता है तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। ये एनीमिया जो है इसमें क्या होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है जिसमें आयरन रहता है, ये जो हीमोग्लोबिन है इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छा रहता है, अगर ये कम हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं एनीमिया। अब हम बात करेंगे कि एनीमिया जो है इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। एनीमिया के वैसे तो दो कॉजेस होते हैं, एक तो आरबीसी में कुछ डिफेक्ट है यानी कि आपका जो आरबीसी है वो क्वालिटेटिवली या फिर क्वांटिटेटिवली अच्छा नहीं बन रहा है आपके बोन मैरो से। बोन मैरो यानी कि आपकी जो लंबी हड्डी रहती है उसके अंदर जो मैरो रहता है, जो आपके सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है, तीन प्रकार के सेल आपके बॉडी में रहते हैं, तीन प्रकार की रक्त कोशिकाएं आपके बॉडी में रहती है, उसको बनाने का काम करता है, उसमें ये लाल रक्त कोशिकाएं भी बनती है। लेकिन जब ये मैरो ही डिफेक्टिव है या फिर इस मैरो से ही अच्छे डब्ल्यूबीसी नहीं बन रहे हैं, वो चाहे क्वालिटी में हो या फिर क्वांटिटी में, यानी कि कम हो या फिर उनकी क्वालिटी जो है वो खराब हो या फिर इमैच्योर हो, वो अच्छी तरीके से हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, इसके वजह से आपको एनीमिया हो रहा है, ये एक फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन हो सकता है आपके जो रेड ब्लड सेल है वो जल्दी मर रहे हैं, यानी कि उनका लाइफ स्पैन है 120 लेकिन उसके पहले ही वो मर जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी रीजन के वजह से हो, ऑटोइम्यून हो या फिर सिकल सेल एनीमिया हो या फिर हीमोलाइटिक वगैरह कुछ किसी भी रीजन से वो आरबीसी जो है वो जल्दी रप्चर हो रहे हैं, इसके वजह से भी आपको एनीमिया जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है आपके शरीर में ब्लड लॉस हो रहा है, यानी कि आपको अगर पाइल्स की तकलीफें है या फिर आपके प्लेटलेट काउंट कम है या फिर पीवी ब्लीडिंग यानी कि मेंसेस के दौरान किसी लेडीज में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या फिर इसोफेजियल वराइसिस जैसी परेशानियां है, तो ऐसे ब्लीडिंग कहां से भी अगर आपको ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा हो रहा है या फिर किसी एक्सीडेंटल पेशेंट में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया तो उधर भी एचबी जो है हीमोग्लोबिन जो है वो सडन ड्रॉप हो जाता है और आपको एनीमिया जो है वो डेवलप होता है। और एक रीजन हो सकता है एनीमिया डेवलप होने का कि आपको न्यूट्रिशन जो है वो कम हो रहा है, यानी कि अगर आप खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं किसी भी रीजन के वजह से या फिर आपके खाने की क्वालिटी जो है वो बहुत कम है, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं जिसके वजह से आपका हीमोग्लोबिन या फिर न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ सकता है, ऐसा खाना आप नहीं खा रहे हैं या फिर आपके खाने में आयरन की मात्रा जो है वो कम है, लोह जो है वो कम है, अगर आयरन आपके बॉडी में या फिर खाने में कम रहता है तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो जाता है, आपके बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, तो आपको एनीमिया जो है वो डेवलप हो सकता है। अब हम बात करते हैं एनीमिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको वैसे भी पता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेड ब्लड सेल के लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर रहता है, ये क्या करता है कि आपके लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है और पूरे बॉडी में उस ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, और पूरे बॉडी में से ऑक्सीजन को सप्लाई करने के बाद वो ऑक्सीजन फिर से हीमोग्लोबिन के अंदर ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास छोड़ देता है। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन ही कम रहता है तो वो ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से लंग्स से नहीं ले पाता है और आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, इसके वजह से आपको तरह तरह के सिम्टम्स जो है वो पैदा होते हैं। तो पहला सिम्टम्स होता है डिस्निया और निदर्शन, यानी कि आप थोड़ा सा भी कुछ काम कर लेते हैं या फिर स्टेप्स भी चढ़ लेते हैं या फिर थोड़ा पैदल भी चल लेते हैं तो आपको तुरंत सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है।
और साथ ही में आपको पूरे बॉडी में वीकनेस महसूस होता है, साथ ही में आपको चक्कर आती है। क्यों आती है? कि आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है, या फिर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जो है वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से पेल हो जाती है आपका हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप हो जाने की वजह से, और आपके हाथ पैर जो है वो पूरे ठंडे पड़ जाते हैं, और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन की कमतरता होने की वजह से, तो आप खाना भी अच्छी तरीके से नहीं खा पाते, आपको एनोरेक्सिया की भी परेशानियां होती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है ये एनीमिया के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, और पेशेंट्स वीक होने लगता है, दिन ब दिन उसका वेट जो है वो कम होने लगता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं एनीमिया के। अब हम बात करेंगे कि ये जो बायो कॉम्बिनेशन 1 है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है आपके एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, और इसमें कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन मिले हुए हैं। फर्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया फॉस ये एक इंग्रेडिएंट है जिसके वजह से आपके बॉडी में जो कैल्शियम है उसकी कमी हो जाती है, और आपके बोन का आपको बोन के रिलेटेड तरह तरह की परेशानियां होती है। तो ये मेडिसिन जो है ये आपके बोन को स्ट्रांग बनाता है, बोन के मैरो को भी स्ट्रांग बनाता है, और इसके वजह से आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है फेरमफॉस। फेरमफॉस ये जो मेडिसिन है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो बढ़ाता है, और ये जो फेरमफॉस मेडिसिन है ये आपकी हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करता है। इसके वजह से आपको एनीमिया में फेरमफॉस मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर एक सोडियम है जिसमें क्या होता है कि आपके शरीर में अगर एक्सेस सोडियम जो है वो बनता है तो उसको निकालने का काम करता है, साथ ही में आपके एनीमिया को भी ट्रीट करने का काम ये मेडिसिन करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कालीफॉस। कालीफॉस ये जो मेडिसिन है अगर आपको वीकनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, लेथर्जी है, या फिर आप का शरीर जो है वो पूरी तरीके से वीक हो गया है, या फिर उसमें बहुत ज्यादा आपको थकावट महसूस हो रही है, तो उसको दूर करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां है ये इस बायो कॉम्बिनेशन 1 में मिली हुई है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये जो बायो कॉम्बिनेशन 1 ये जो मेडिसिन है ये 70 या फिर 80 के रेंज में आपको मिल जाता है। इसका पिक्चर भी मैंने वीडियो में लगाया है, ये ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं या फिर होम्योपैथिक फार्मेसी से भी खरीद सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको कैसे लेना है, तो ये टैबलेट फॉर्म में आती है। तो ये जो मेडिसिन है इसके 4 टैबलेट अडल्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार, और चिल्ड्रन में इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टैबलेट दिन में 2 बार। ये मेडिसिन आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एनीमिया की कंप्लेंट्स कम हो जाती है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसे लगा, और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहेंगे। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।